हर हर मैदान फटे, कर हर मैदान फटे। स्त्री का बाप तो एकदम मतलब बोले हालत खराब कर दिया उसने सलमान खान की। रणवीर कपूर बाप है, बाप सलमान खान। कर हर मैदान फटे, कर हर मैदान फटे। स्त्री कुछ भी है इसके सामने, कुछ नहीं है इसके सामने, कुछ नहीं स्त्री के सामने कुछ नहीं है। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। संजू टू, संजू टू। रणवीर कपूर इज द बहुत अच्छी है। पिक्चर अच्छी है, रणवीर कपूर एक्टिंग अच्छी है। संजय दत्त को दिखा क्या नहीं रणबीर कपूर? नहीं नहीं उतना नहीं मैच किया, तो भी थोड़ा बहुत मैच किया। कैसी लगी भाई? एक नंबर पिक्चर लगी भाई, एक नंबर। अच्छी लगी मूवी? क्या अच्छा, उनकी स्टोरी थी वो अच्छी, अच्छी थी। संजय दत्त की एक्टिंग, इसकी रणबीर कपूर की एक्टिंग अच्छी थी। हा? क्या अच्छा लगा आपको पिक्चर में? अच्छा था, सब अच्छा लगा। हाँ सर, पिक्चर कैसी? एक नंबर पिक्चर है भाई। क्या अच्छा लगा आपको? स्टोरी संजय दत्त के ऊपर है समझे, उनकी कहानी बताए, और एक्टिंग रणवीर सर की एक नंबर है भाई। बेस्ट पार्ट मूवी का तो बहुत सारे, सारी पिक्चर ही बेस्ट है यार, पार्ट क्या बताऊं। इमोशनल, आप कितने बार रोए पिक्चर देखते? रोया तो नहीं, लेकिन फिर भी आपने आपको संभाल लिया है। कई कई जगह पे ऐसा था कि आदमी अपने आप को रोक नहीं पाएगा। बहुत मस्त पिक्चर है, सभी लोग आके देखे। अच्छी ट्रेलर में ही पता चल गया था भाई, 350। पिक्चर में ये पता चला 200-225 के आसपास है। हाँ जी, बहुत अच्छा, माइंड ब्लोइंग। बस क्या अच्छा लगा पिक्चर? रणबीर सर की एक्टिंग, ग्रेट मूवी, ग्रेट मूवी, मस्त, बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी। डायलॉग बहुत अच्छा है भाई। आंसू भी आया और हंसने को भी आया भाई। अच्छी पिक्चर है, डायलॉग बहुत हार्ड है लेकिन। हाँ, संजय दत्त का और उसका फ्रेंड का भाई घपा का बोलता है। नंबर वन मूवी, क्या अच्छा लगा? संजय दत्त की एक्टिंग, बेस्ट पार्ट संजय दत्त की एक्टिंग, सॉरी रणबीर कपूर की एक्टिंग। रणबीर कपूर को देखने के बाद आपको संजय दत्त की थोड़ी भी ऐसी ये लगी कि मतलब कमी है इसमें पिक्चर में? बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं संजय दत्त को देख रहा था या रणबीर कपूर को देख रहा था। मूवी का बेस्ट पार्ट? मूवी का बेस्ट पार्ट उसका डायरेक्शन, राजकुमार हिरानी। इमोशनल सीन जो है मूवी में? हाँ, जो उनके पिताजी की जो डेट होती है उसका जो सीन दिखाया है, जो उनकी मम्मी के साथ उनका जो सारे सीन बताए, बहुत ही अच्छा बताए। इस मूवी में आपको सबसे ज़्यादा एंटरटेन कौन सी चीज़ से मतलब मिला? संजय दत्त की पूरी कहानी दिखाई है, उसके पूरी फिल्म उसकी एंटरटेनमेंट, पूरी स्टोरी उसकी एंटरटेनमेंट है। अब आपको मतलब संजय दत्त के बारे में क्या थॉट है? मेरा तो पहले से उसके बारे में अच्छा ही नज़रिया था, उसने सजा भुगत चुका है ऑलरेडी। 5/5। बेस्ट मूवी, बेस्ट। क्या अच्छा लगा? बाबा का एक्शन, एक्शन रणवीर कपूर, एक्टिंग, एक्टिंग। पहले तो बाबा संजय दत्त को बोलते थे, अभी रणवीर कपूर। रणवीर कपूर, हां रणवीर कपूर सेम टिकटो बाबा लगा। मतलब एक्टिंग, मूवी देखने के बाद आपको संजय दत्त की कमी लगी मूवी में? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं लगी। संजय दत्त ऐसा लगा, रणवीर कपूर ही संजय दत्त लग रहा था। और हीरोइंस की अगर बात करें तो? हीरोइंस भी सब फेस वाइज सही, एकदम कास्टिंग सही किया। मूवी का बेस्ट डायलॉग? बेस्ट डायलॉग बाबा बोलता है, बस हो गया। रणवीर कपूर, संजय दत्त का बेस्ट, बाबा का आवाज़ ही काफ़ी है ना। रणवीर कपूर ने सेम एक्टिंग किया, अच्छा लगा। 5/5। नायक नहीं कल नायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। मूवी बहुत अच्छी मूवी है, बहुत आप लोगों को देखना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको देखना चाहिए। मूवी पूरी वाट लगा डाली, अभी तक रिकॉर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट से जब भी मूवी बन रही है अभी तक की पूरी फाड़ू मूवी रहेगी, पूरे मूवी का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है मूवी। अरे भाई, ईद में रिलीज होती बेस्ट ऑफ भाई, अभी भी रिलीज हुई है, सब मूवी का रिकॉर्ड तोड़ के जाएगी मूवी, गारंटेड, नो डाउट, पार्ट ऑफ 5 स्टार। एक्टिंग बार रणबीर कपूर तो बाप एक्टिंग किया है, बाप एक्टिंग किया है। अगर देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि बाबा है कि रणबीर। हाँ, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। इमोशनल सीन्स है वो जो फ्रेंड्स के ऊपर है, पानी आ गया था इतने इमोशनल, और थोड़ा फ्रेंड्स के ऊपर है और थोड़ा माँ के ऊपर है वो, आप थोड़ा उसमें रो दोगे ऐसा लगता है। नहीं, बहुत, और बाकी बहुत अच्छी मूवी, आपको देखना चाहिए एक बार भाई। वो तो 308 वो भी उसने गिना था, पूरा कन्फर्म नहीं हुआ था, छोड़ गया। क्या बोल रहे?
रूबी 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 सोनम कपूर वो एक ही दिखाया उसने, वो भी उसने पीली में काउंट किया था, आगे उसके पता नहीं। पांच में से अगर होगा तो 10 दे दूंगा, ऐसा हो जाएगा। बेस्ट पार्ट बाबा का थोड़ा इमोशनल सीन था, वो अच्छा लगा। द बेस्ट पार्ट इज जब वो जेल में था ना, और जब वो बाथरूम लीक हो गया था ना, वो तो बहुत प्रॉब्लम बहुत ने फेस किया था। एक्चुअली वो जो घर से था उसको फेस नहीं करना चाहिए, उसने बहुत फेस किया, वो ठीक था उसके हिसाब से, उसने मतलब बहुत ज्यादा फेस कर दिया प्रॉब्लम। वो जेल में था जब भी वो, उसको पैन नहीं था तो उसके घर पे भी पैन नहीं था, उसके डैडी भी जमीन पे सोते थे, वो भी वहाँ पे जमीन से। बहुत ही अच्छी मूवी है। आई विल गिव यू 5 to 5 स्टार। पिक्चर है ना, बाप बेटे की कहानी है, पिक्चर में देखना चाहिए, हर मूवी हर इंसान को देखना चाहिए, कहानी पिक्चर में इसी कहानी अच्छी लगी। मूवी का बेस्ट पार्ट कौन सा था? बेस्ट पार्ट मतलब बाप बेटे का तो गला में बाप बेटे का और दोस्त हमेशा साथ है। कॉमेडी भी ना बेस्ट है, कॉमेडी बेस्ट है, और पूरा थाली पूरा सजा के पूरा रखे, पूरा थाली पूरा सजा के दे दिए। लास्ट में जो संजय जन का एंट्री मारते ने गाने में एकदम सबसे बेस्ट, पूरा रसगुल्ला मेरे को मिल गया, पेट भर के खा लिया। अल्टीमेट मूवी संजू रॉक्स, इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ द ईयर। रणबीर कपूर साहब हैज गिवन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ टाइम। बर्फी से भी अच्छी है, राजकुमार ईरानी की ये सबसे बेस्ट मूवी है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, म्यूजिक, डायलॉग्स, एवरीथिंग अबाउट द मूवी वॉज रॉकिंग। रणबीर कपूर को देख रहा था या संजय दत्त साहब को देख रहा था, मुझे डाउट था, मीन्स इतनी बड़ी इतनी मीन्स खूबी से वो रोल में घुस गए थे। और मैं समझता हूँ इट्स द बेस्ट बायोपिक। आज तक बहुत से बायोपिक अभी तक निकले हैं, सचिन के ऊपर, धोनी के ऊपर, अजहर के ऊपर, मैरी कॉम, सरजीत के ऊपर। मैं समझता हूँ इट्स द बेस्ट बायोपिक। बहुत कुछ सीखने को मिला ये फिल्म देखते, और मैं ये समझता हूँ ये फिल्म 300 करोड़ पार कर देगी। बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर। ये एक ही बात बोलूंगा, रणबीर कपूर जितने भी अवार्ड फंक्शन है, चाहे फिल्म फेयर हो, जी सिने अवार्ड हो, जीनियस डेफिनेटली, और मुझे लगता है सब में उसको फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलेगा, और मैं समझता हूँ उनको नेशनल अवार्ड भी मिलेगा डेफिनेटली। आउट ऑफ 5 5 स्टार, मैं तो समझता हूँ कि 10 स्टार ही दे दूँ तो कम है। ये फिल्म मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार देखने वाला हूँ। संजू, जिस तरह शोले, बाहुबली कहा जाता है कि बॉलीवुड की या फिर इट्स द कंप्लीट फिल्म है, मैं समझता हूँ संजू इज अ कंप्लीट मूवी। राजकुमार हिरानी इज बेस्ट वर्क। डेफिनेटली यार, संजू तू बनना चाहिए, ये एक बायोपिक है, डेफिनेटली बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी इट्स बहुत ही लाजवाब फिल्म है। इतना रोया मैं लाइफ में, मैंने आँख भर आए मीन्स फिल्म देख के, सही मायनों में बहुत ही अच्छी लाजवाब फिल्म बनाई है। नहीं, रिकॉर्ड को बात, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बात को छोड़ दो, या डेफिनेटली ये एक बहुत ही इमोशनल, हार्ट टचिंग फिल्म है। हम इस फिल्म को देख के यही कुछ सीखते हैं कि लाइफ में बुरे संगत, बुरे बैड कंपनी लगने के वजह से संजय दत्त साहब को कितनी सफ़र करनी पड़ी, डेफिनेटली एक भूल के कारण उनको कितना, बेचारे को कितनी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये फिल्म देख के हमको वो पता चलता है। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा फिल्म बनाया है, बेस्ट मूवी, और ये फिल्म मैं समझता हूँ कि सिर्फ राजकुमार हिरानी ऐसी फिल्म बना सकती है और कोई नहीं। सही मायनों में वो बॉलीवुड के कमर्शियल मसाला फिल्म मेकर में वो बाप है, राजकुमार हिरानी। और ये परेश रावल की अगर बात करें, जबरदस्त, दत्त साहब का, दत्त साहब की भूमिका में थे वो, लाजवाब काम किया। मैं समझता हूँ आमिर खान को उतना सूट नहीं करता कहीं ना कहीं, हालांकि आमिर खान परफेक्शनिस्ट है बॉलीवुड के, वो बहुत ही मंजे हुए कलाकार है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आमिर खान से ज्यादा परेश रावल को ये रूल ज्यादा सूट किया डेफिनेटली। दत्त साहब के किरदार में वो काफी उन्होंने काफी अच्छा अच्छी तरह से अपनी रोल को निभाया। मनीषा कोराले जी नरगिस दत्त जी की रोल में थी, उन्होंने भी काफी अच्छी रोल की। अनुष्का शर्मा हैज ऑल्सो परफॉर्म्ड हर पार्ट रियली वेल। फिर जिम सर, या शी हैज ऑल्सो, एवरी वन, मैं बोलता हूँ ना, छोटा बड़ा सभी पात्र ने लाजवाब काम किया। लेकिन विकी, हर हर मैदान फटे, कर हर मैदान फटे, लाजवाब सॉन्ग है, इट गिव्स यू गुड्स बम्स। विकी कौशल जी ने लाजवाब काम किया आफ्टर रणबीर कपूर। अगर किसी ने सही मायनों में ऑडियंसेस का दिल छुआ है वो विकी कौशल जी। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। और एक सॉन्ग है, मैं बढ़िया तू भी बढ़िया। अरे अरे अरे, अरे मैं बढ़िया तू भी बढ़िया। हालांकि मुझे वो इतनी लिरिक्स पता नहीं डेफिनेटली। देखिए, मैं अभी गाने के मूड में नहीं हूँ, मैं ये फिल्म देख के मीन्स इतना भावुक हो गया, इतना मैं अंदर से मैं इतना रोया डेफिनेटली। मैं फिर से ये फिल्म देखूंगा, मैं फिर से देखूंगा, मैंने आज डेफिनेटली, मैंने एक ही बात कहना चाहूँ, संजू रॉक्स 300 करोड़ की बिजनेस करेगी, किसकी रिकॉर्ड तोड़ेगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर से कंपेयर नहीं होता, ये बहुत ही लाजवाब फिल्म है डेफिनेटली। संजू का कंपेयर किसी से नहीं है, मैं मानता हूँ इट्स द बेस्ट बायोपिक संजय दत्त साहब के ऊपर। एक्सेलेंट मूवी, मार्वेलस, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग मूवी, और लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। इट्स एन एक्सेलेंट मूवी, अगर देसी लैंग्वेज में कहे तो मैं धासु मूवी है।
एंड हैट्स ऑफ टू राजकुमार हिरानी, विधु विनोद चोपड़ा एंड स्पेशली रणबीर कपूर। मतलब हमने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये किरदार रणबीर कपूर को सूट करेगा। मतलब हम दोस्त, मतलब दोस्त संजय दत्त के फैन है, मतलब ये बाबा क्या रणबीर कपूर को ये रोल सूट करेगा। लेकिन फिर अभी हम तो देख रहे हैं कि मतलब बहुत ही एक्सेप्शनली वेल ही हैज प्लेड द रोल। मतलब खास करके उनकी जो सरकमस्टेंसेस थे, मतलब कैसे वो ड्रग्स के माहौल में आए और फिर उससे कैसे बाहर निकले, फिर उसके बाद वो बाहर निकलने के लिए भी बहुत स्ट्रगल चाहिए। मतलब अच्छे अच्छे आदमियों को मैंने देखा है कि जो इन्होंने कहा कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ये वाला सॉन्ग बहुत ही इंस्पिरेशनल सॉन्ग है और डायलॉग तो है ही बहुत। मैं खास करके वो वाला डायलॉग जब संजय दत्त के बारे में जर्नलिस्ट उल्टा सीधा मतलब लिख रहे थे कि ही विल नॉट कम बैक, तो उसमें संजय दत्त इस फिनिश्ड को हटा के उसको फिनिश्ड को सुनील दत्त ने हटा, सुनील दत्त का किरदार जो परेश रावल ने प्ले किया था और उन्होंने लगाया था कि यस संजू विल बी बैक। तो वो मैं कहूँगा कि वो एक तरह से मतलब डायलॉग नहीं लेकिन ये इंस्पिरेशनल कोट है कि जब भी आपके जीवन में इतने ख़राब सरकमस्टेंसेज रहें तब भी आप कैसे उससे उभर के आओ, कैसे लौट के आओ, वो मतलब ये फिल्म देखने से ही हमें पता चलता है। और सबका कैरेक्टर, मतलब चाहे वो परेश रावल का हो, दिया मिर्ज़ा का हो, रणबीर कपूर का हो, इनफैक्ट मैं मनीषा कोइराला जी की बात कहूँगा कि नरगिस दत्त का रोल जो उन्होंने किया था कि उनको कैंसर हुआ उसके बाद वो वहाँ से चल बसी, जिसके कारण जो फ्रस्ट्रेशन संजय दत्त में हुआ था, शी वॉज अ काइंड ऑफ अ वेरी मच इमोशनल सपोर्ट फॉर हिम। और उनका अगर हम बात करें जो बाथरूम वाला सीन दिखाया गया जेल में, हाँ वो यही दिखाता है कि मतलब इतना बड़ा सुपरस्टार उसको क्या फेस करना पड़ा था जेल में, कि उतने टफ कंडीशंस में, इतने ख़राब कंडीशंस में उसको रखा गया था। फिर जब उससे कार्रवाई भी की जा रही थी तो उनको मतलब थप्पड़ खाना पड़ा था, वैसे माहौल में वैसे कंडीशन में उस आदमी ने देखा था। तो ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि हमें सही, अगर हम सही राह पे रहे, मैं 5 में से 500 दूंगा मेरा ये है। मतलब दिस इज़ द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर आईमा से, मैं तो फिर से जा रहा हूँ, इतना अच्छा लगा है मुझे। संजू एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, इससे बढ़िया फिल्म मैंने आज तक कभी नहीं देखी। मैं हॉलीवुड की फिल्में एक तो कैंस फिल्म फेस्टिवल, मुंबई, बहुत सारे अलग अलग फिल्म फेस्टिवल की फिल्में एक तो, लेकिन संजू में जो बात है वो बात कोई और फिल्म में नहीं है। सब मास्टरपीस। अगर बात करें फिल्म के डायरेक्शन की, मतलब जो भी स्क्रीन प्ले है, तो उसके बारे में आप क्या? तो स्क्रीन प्ले तो अभिजात जोशी और राजकुमार हिरानी का हमेशा बेस्ट है ही, थोड़ी लंबी है लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लंबी तो और देखते और मज़ा आता कोई। और डायरेक्शन तो राजकुमार हिरानी का बेस्ट ही है, मतलब मुन्ना भाई से लेके संजू 5 फिल्में आ गई, सबकी सब ब्लॉकबस्टर। मतलब आई गेस इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव सो फार। बेस्ट पार्ट आपको मूवी में कौन सा लगा? सब कुछ बेस्ट है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि मतलब हार्ट टचिंग मोमेंट तो वही होता है जब वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाता है एंड यू नो लाइक व्हेन ही इज कोपिंग अप, तो जब वो गाना आता है वो वाला पार्ट बेस्ट एक्चुअली। मतलब अगर एक्ट्रेस की बात करें हीरोइंस की, तो आपको बेस्ट हीरोइन कौन सी लगी? मुझे तो मनीषा कोइराला का काम अच्छा है, मतलब और एक्चुअल रणबीर तो छा गया, उसे तो एक्चुअल सब अवार्ड्स दे देने चाहिए, ऑस्कर देना चाहिए, नेशनल अवार्ड, सब अवार्ड देने चाहिए रणबीर को। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज टिल डेट एंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज बाय एनी एक्टर इन इंडियन सिनेमा। आउट ऑफ 5 स्टार्स ने सब कुछ दे दूंगा, गैलेक्सी यूनिवर्स सब कुछ दे दूंगा, स्टार्स से कुछ नहीं फर्क पड़ दिस। पिक्चर अच्छी है, एक नंबर पिक्चर, रणबीर कपूर की एक्टिंग वहाँ पे और जो अनुष्का शर्मा सबका काम अच्छा है, सबने अच्छा काम किया है। मूवी का बेस्ट पार्ट, मूवी का बेस्ट बेस्ट पार्ट मेरे को वो लगता है जब वो बोलता है अपने बाप को कि मैं ड्रग से बचना चाहता हूँ, ड्रग से बचना चाहता हूँ, ड्रग से। तो आपको मतलब सॉन्ग्स वगैरह कैसे लगे? सॉन्ग सब अच्छे, डायलॉग भी अच्छे। कोई एक डायलॉग आप बोल के? मेरे को डायलॉग आता, कोई एक सॉन्ग आता है, मैं किधर 5 में से 5। संजू इज़ एन एपिक मूवी, आपको संजू जाके ना 1000-1100 बार भी देखोगे ना फिर भी आपको उतनी पसंद आएगी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जितने टाइम मूवी थिएटर में है ना सारे टिकट्स बुक करके देखने जाओ संजू, आप प्लीज़ जाके देखो आओ। संजू इज़ एन एपिक, रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस फाइनेस्ट परफॉर्मेंस आफ्टर बर्फी, एंड परेश रावल जी तो ऑल टाइम ही इज़ द बेस्ट। ओनली जिम सरब का रोल इतना अच्छा था ना कि उसका भी मतलब एकदम अलग ही रोल था, उसका रोल भी बहुत परफेक्ट था। फिर वो विकी कौशल, उसका और रणबीर का ऑलमोस्ट उन लोग को जितना लेंथ दिया है मूवी में सेम ही लेंथ है जितना उसको दिया, एंड ही ऑल्सो हैज़ अ वेरी ग्रेट बॉन्ड, या शोन अ वेरी ग्रेट बॉन्ड विथ रणबीर कपूर इन द मूवी। एक्सीलेंट मूवी, सुपर्ब, एवरीथिंग इज
माइंड ब्लोइंग, मतलब जाओ देख के आओ, मैं पैसे दे दूंगी मूवी के लिए। बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी बोल नहीं सकते, पूरी मूवी बेस्ट है, जाके देख के आओ। सिर्फ रणबीर कपूर, अरे उसका क्या बोलो, आप देख क्या मूवी एपिक, उसका परफॉर्मेंस इतना इमोशनल, एवरी सीन ही हैज प्लेड इट परफेक्टली। मतलब लगता ही नहीं है कि रणबीर कपूर, ऐसा लगता है कि संजू खुद आ गए यू नो स्क्रीन पे। लास्ट में संजू का था थोड़ा सा दिखाया था सॉन्ग, वो एक्चुअली अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, आ जाएगा कभी ना कभी। हाँ मनीषा कुमार, अनुष्का शर्मा, हाँ यस एक्सीलेंट लिया। ऐसा ही लगता था कि नरगिस जी ही वहाँ पे है, शी इज़ पोर्ट्रेइंग द रोल, यस शी हैज़ डन इट वेरी वेल। अनुष्का ने भी जो रिपोर्टर का रोल प्ले किया, शी लुक्स वेरी क्यूट इन द मूवी एक्चुअली विद दैट गुड हेयर स्टाइल, इवन शी इज़ प्लेड इट वेरी वेल। और दिया मिर्जा जो मान्यता का रोल प्ले कर रही है संजू बाबा की वाइफ, इवन शी हैज़ प्लेड इट परफेक्टली परफेक्ट। ऐसा लगता ही नहीं है कि यू नो, मतलब ऐसा लगता है कि सेम कैरेक्टर्स है जो आके प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पे। ऑल ऑफ देम हैव डन अ फैबुलस जॉब इन द मूवी। प्लीज़ सोनम कपूर, उसका तो बहुत छोटा रोल था, मतलब 5-10 मिनट का ही था, बट हाँ उसका भी अच्छा ही था, उसको कुछ खास बताया नहीं, पर बीच बीच में ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो जाता था उसका, तो उसको उसको नहीं लाना चाहिए था, दूसरे को डालना चाहिए था उसके जगह पे, ऐसा लग रहा है। 2-3 गाने वो कर हर मैदान फतेह, दैट इज़ एन एक्सेलेंट सॉन्ग, वो तो एक्चुअली सबको पसंद ही आ गया, दैट वॉज गुड। परेश रावल, उनके बारे में क्या बताओ, वो तो है ही एकदम एक्सेलेंट फाइन एक्टर ऑफ बॉलीवुड, द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड। आमिर खान तो बिजी है ठग्स की शूटिंग के लिए, तो वो आ नहीं पाए होंगे क्या पता अभी, पर या परेश रावल जी को लिया है तो बहुत सही डिसीजन है राजू सर का, क्योंकि उन्होंने ये रोल जितनी बारीकी से प्ले किया, आई थिंक नो अदर एक्टर वुड हैव डन इट। यस तो कर हर मैदान फतेह, वो एक ही गाना है। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। संजू पिक्चर ए सुपर ड्यूपर हिट मूवी, माइंड ब्लोइंग जो रणबीर का परफॉर्मेंस है, मतलब लाजवाब परफॉर्मेंस। समझ में नहीं आ रहा कि रणबीर कपूर पिक्चर देख रहे हैं कि संजय दत्त की पिक्चर देख रहे, इतना मतलब कैरेक्टर में घुसा संजय रणबीर कपूर, माइंड ब्लोइंग। पिक्चर का बेस्ट पार्ट वही है जो रणबीर कपूर संजय दत्त एंड सुनील दत्त दोनों को हक करते ना, वो सीन में ऑडियंस रो पड़ेगी। मतलब पिक्चर का स्टोरी, स्क्रीन पे, डायलॉग्स, सब कुछ लाजवाब है, मतलब टोटल पैसा वसूल। और इतना डिटेलिंग में बताया है जो रॉकी के टाइम से 1982 से लेके वो जेल जाते हैं, जेल से बाहर निकल तब तक, मतलब पूरा डिटेल में इतना अच्छे से बताया कि आदमी मजा आ जाएगा यार, आदमी रो देगा थिएटर में। 2018 की सबसे बड़ी हिट पिक्चर है ये, और रणबीर कपूर को नेशनल अवार्ड मिलना ही चाहिए। और आज का कलेक्शन 30 करोड़ किधर रहे, हाई 30 करोड़ आज का फर्स्ट डे कलेक्शन। और सबसे बड़ी बात, बाहुबली, गोलमाल 4 और बागी 2 के बाद जीटी कलेक्शन में आज हाउसफुल का बोर्ड लगा है, पिक्चर हाउसफुल, रेस 3 भी हाउसफुल नहीं थी, सो वेरी बिग थिंग यार। रेस 3 के साथ में रिलीज होती थी तो रेस 3 को बहुत पीछे छोड़ देती, ऐसे ही पीछे छोड़ ही देगी रेस 3 को, ये संजू बहुत आगे निकले, मतलब मैंने 1 महीने पहले बोल दिया था। एक्टिंग की अगर बात करें तो, अरे एक्टिंग में से इतना अच्छा एक्टिंग किया है, ऐसा लगता है कि वो रणबीर कपूर संजय दत्त का जुड़वा भाई है। समझ में नहीं आता कि हम लोग पिक्चर्स किसकी देख रहे, रणबीर कपूर की संजय दत्त देख रहे हैं, इतना घुस गया वो कैरेक्टर में यार, चलने का स्टाइल, बाल का स्टाइल, अच्छा हाथ जोड़ के सच करता है वो, माय गॉड, माइंड ब्लोइंग यार। रणबीर कपूर आपने जो काम किया है इतना परफेक्शन से काम किया है कि अमिताभ बच्चन और कमल हसन उन लोगों को टेंशन आ गया रहेगा कि इतना परफेक्ट कौन, इतना परफेक्ट किया, मतलब इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग गया। अगर ये मूवी में आमिर खान को अप्रोच किया गया था इसके रोल के, परेश रावल के रोल के लिए, नहीं परेश रावल ने बहुत अच्छा काम किया, आमिर खान होता तो जहाँ आमिर खान परेश रावल के रोल में नहीं जमते, और सुनील दत्ता कैरेक्टर जो किया है परेश रावल ने परफेक्ट किया है, और जो इमोशनल जो लाया बाप बेटे के बीच में, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। नरगिस दत्त का जो रोल किया मनीषा कोइराला ने बहुत अच्छा किया, विक्की कौशल ने जो परफॉर्मेंस दिया है लाजवाब, मतलब पिक्चर में सबका काम लाजवाब है, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा, जो संजय दत्त के बेटे, छोटे छोटे बेटे पता, शाहरान दत्त, सब कुछ डिटेल में पता है, मज़ा आ गया। मतलब हालांकि इसमें तो 350-350 गर्लफ्रेंड बताई, लेकिन इसमें 2-3 गर्लफ्रेंड नहीं बताई है, तो ज़्यादा उसमें डिटेलिंग नहीं बताया, ज़्यादा ड्रग्स का और वो आर्म्स एक्ट का ज़्यादा बताया वो लोग ने। जो बाथरूम वाला
हाँ वो बहुत मतलब आप हमारी जेल में ऐसा भी होता है ये देखने को मिला आज, मतलब कैदियों किस हालत में रहते हैं यार, नो खिड़की भी नहीं रहती, एक भी खिड़की नहीं रहती, उसके बावजूद लोग रहते हैं, मतलब वेरी शॉकिंग यार। पिक्चर को 5 में से 5, रणबीर कपूर को 5 में से 5, सुपर ड्यूपर हिट। पब्लिक को यही बोलूँगा जाकर देखो संजू, पैसा वसूल।